जय गुरु। आज का आलोचना विषय है अभाव का निराकरण। एक सज्जन पूर्व बंगाल देश से विस्थापित होकर पश्चिम बंगाल में पुनर्वास किए थे। ये किसी भी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे थे। बीच बीच में श्री श्री ठाकुर जी के नज़दीक आकर अपना दुख व्यक्त करते थे। श्री श्री ठाकुर उनको कोशिश करने कहते थे। एक बार श्री श्री ठाकुर ने उनसे कहा, सुनो, पावना से देवघर आने के बाद आउस धान का चावल नहीं खाया हूँ। तुम यदि स्वयं खेती करके मुझे आउस धान का चावल और विभिन्न तरह की हरी सब्जी खिलाते तो मुझे बहुत खुशी होती। श्री श्री ठाकुर को खुश करने के लिए उक्त सज्जन और उनके परिवार के सदस्यगण बहुत मन लगाकर खेती किए। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार की उपज बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यगण श्री श्री ठाकुर को खुशी के लिए बहुत मन लगाकर मेहनत किए थे। जब सज्जन अपने खेत के आउस धान का चावल और कई तरह की हरी सब्जी, पपीता, कच्चू, केला, खीरा आदि बहुत मात्रा में लेकर आया तो श्री श्री ठाकुर देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्री श्री ठाकुर जी के आशीर्वाद का अनुशासन मानने के कारण उनकी कर्म क्षमता और आत्मविश्वास जागृत हो गई। दरिद्रता का भाव भी दूर हो गया। इसी तरह से असंख्य दीक्षितों ने ठीक तरह से इष्टवृत्ति और स्वस्थिन विधान का पालन करके अपने अभाव के भाव को दूर किया है। श्री श्री ठाकुर लोगों के सुप्त शक्ति को जागृत करके कर्म क्षमता बढ़ा दिए हैं और साथ ही साथ लोगों में देने की प्रेरणा भी संचारित कर दिए हैं। स्मृति तीर्थ पृष्ठा संख्या 52 से संग्रहित। जय गुरु।